क्योंकि एग्जामिनर क्या करेगा, एक फील्ड दे देगा, या फील्ड आपको निकालनी होगी, है ना, ऐसे फील्ड निकाल लिया, और फिर एक टेस्ट चार्ज है, इस पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, फोर्स बताओ, इससे आ जाएगा, तो फील्ड निकाल लोगे तो फोर्स भी आ जाएगा। ये है टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट से रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, आप एक चीज और देखो, एफ इज इक्वल टू एम जी की तरह ये एनालॉगस है एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, ये बात समझ में आ गई। अच्छा ओके, ये वेक्टर, वेक्टर फिर दिशाओं को भी दिखाएगा। ये बताओ अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, वो देखो ऊपर वाला, अगर ये पॉजिटिव है तो अगर यहाँ पॉजिटिव आएगा तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी सेम डायरेक्शन की हो जाएंगी कि नहीं? तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये बताता है कि जो डायरेक्शन फील्ड की होगी वही डायरेक्शन फोर्स की भी हो जाएगी ऊपर से। और अगर ये चार्ज निगेटिव हो जाए तो ये माइनस, तो दोनों वेक्टर क्वांटिटी अपोजिट हो गई, तो दिखा तो रहा है अपोजिट। तो ये इस बात को भी शो कर रहा है कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ये पॉजिटिव पे फील्ड की दिशा में फोर्स और निगेटिव पे अपोजिट, स्पष्ट हुई बात। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की अगर इतनी इंपॉर्टेंस है तो जरा इसे डिफाइन करते हैं और इसे भी मेजर करना सीख लें। ठीक, क्या होगा भाई इसकी डेफिनेशन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ मेजरमेंट ऑफ इफेक्ट ऑफ फील्ड ऑन अ चार्ज बेस्ड एट अ पॉइंट इन दैट फील्ड। अभी अभी तो बताया मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इंटेंसिटी क्या है, यहाँ पे जी है, वहां जी बाई सिक्स है, क्या शो कर रहा है, यहाँ पे हैवी फील्ड है, वहां पे लाइट फील्ड है ना, तो इंटेंसिटी क्या शो करता है, ये मेजरमेंट है इफेक्ट ऑफ द फील्ड। यहाँ पे इफेक्ट जितना है मून पे कम होगा ग्रेविटेशन फील्ड का, तो ये पता चला ना जी और जी बाई सिक्स से, है ना, या कहीं 10G या 20G कहीं होगा तो पता चल रहा है ना उससे बहुत ज्यादा फोर्स हो जाएगा, तो यही इंटेंसिटी डिफाइन करती है ना। अच्छा, इसके अलावा अब देखो इसको फाइंड करने के लिए एक और डेफिनेशन है इसकी, ऐसे ये तो बताया जा रहा है क्या होता है ये। ठीक, ये देखो ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जरा इसे समझा जाए। इंटरमीडिएट लेवल तक आपने इसे रटा होगा और लिखा होगा, जरा समझते हैं इसे ऐसे क्यों डिफाइन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल जो आएंगे, एसर्शन रीजनिंग, फिर बोल रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, खाली न्यूमेरिकल नहीं कर रहे आप, मैं ऐसे क्यों पढ़ाता हूँ फिर रिकॉल करा दो, कभी भूल जाते हैं आप कि सर इतना बोलते क्यों है ना। मैं आपको तैयार करता हूँ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए जो मैक्सिमम लोग गलत करके आते हैं, और वहीं पे मैं आपको विनर बनाना चाहता हूँ, अगर वहां पे आप विनर हो गए तो आप पूरा विन कर जाएंगे थ्योरेटिकल पार्ट। समझिए इस बात को, दिस इज इक्वेलेंट टू फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज एक्टिंग इन द फील्ड। कह रहे हैं कि ये फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो इकाई चार्ज, वो भी पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बराबर, और ऐसे निकालना सिखा दिया गया है ना, कि एक चार्ज है उस पर ये फोर्स, ये चार्ज है, ये फोर्स है, फोर्स को चार्ज से डिवाइड करो फील्ड आ जाएगी, यूनिट न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना इस समय, ये किताबी बातें बोल रहा हूँ, ये ऐसे 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 याद कर लेना, लेकिन मतलब क्या है इसका जरा समझिए इसको। चलिए एक क्वेश्चन अराइज करता हूँ, बड़ा आसान। शुरुआत में पता चला होगा यहाँ कोई फील्ड है, शुरू के साइंटिस्ट जब ये सब ज्ञान डेवलप हम लोग तो ज्ञान बना के जो है परोस दिया जाता है, लो रट लो, जिन्होंने क्रिएट किया होगा उन्होंने कैसे किया, ये सोचने वाली बात है। हम इस समय फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन करने जा रहे हैं, निकालना है हमें, उसे कैलकुलेट करना है कैसे करें, है ना। तो ये बताओ कि अगर मान लें हमें यहाँ पे जी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मालूम नहीं है, थोड़ी देर के लिए सोचिए, जी मालूम नहीं है हमें, हम पहले साइंटिस्ट हैं, है ना, हमें जी नहीं मालूम है, निकालना है, क्या करेंगे बताएंगे इसे, या जी वैल्यू, जैसे न्यूटन को लगा होगा यहाँ पे कुछ है स्पेस में, कोई प्रभाव है, सेब गिरा, तो उन्होंने क्या शुरू किया होगा, बड़ी सिंपल सी बात है। ऐसे हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं, हम फील्ड नहीं महसूस करते हैं, हम फोर्स महसूस करते हैं, हम फोर्स महसूस करते हैं। उसमें यह है तरीका कि कोई भी मास ले आओ नोन, जैसे मान लें 5 किलो का बाट होता है ना, बाट बोल रहा हूं सिंपल हिंदी, ना मिले तो किसी ठेले वाले से सब्जी वाले से ले आओ, समझ रहे हो,
उस पर लिखा होना चाहिए 5 किलो 10 किलो, ऐसे कोई भी ले आओ 5 किलो, है ना। और एक स्प्रिंग बैलेंस ले आना, ऐसा स्प्रिंग बैलेंस जिसमें न्यूटन में लिखा हो यूनिट, किसी लेबोरेटरी से लाना, वो भी किसी सब्जी वाले के यहाँ से मत ले आना, नहीं तो उसमें केजी में लिखा होगा, है ना, वहाँ लेबोरेटरी से लाना उस न्यूटन में। अब क्या करोगे, उसको तोलना उस पार्ट को, ठीक है। जब तोलोगे तो उसमें रीडिंग जो आएगी वो क्या आएगी, मान लो जनरलाइज कर देना, छोड़े जनरलाइज कर देना, यहाँ जो आप तोलोगे 5 किलो एम मास, तो रीडिंग क्या आएगी, एम जी, जैसे 50 न्यूटन, रीडिंग क्या आएगी, 50 न्यूटन, है ना। और ये 5 kg है, ये लिखा हुआ है उस पर, क्या करोगे, उस 50 न्यूटन को 5 kg से डिवाइड कर, फोर्स नापा आपने और जो मास है वो मालूम है आपको, तो फोर्स को मास से आप डिवाइड कर दो आ जाएगा प्रभाव जी, यही तरीका है। जनरलाइज कर दें तो आप एक एम मास ले आ रहे हैं, जनरलाइज कर दें तो कोई भी मास हो गया जो भी मिल जाए, लिखा होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, है ना। 12 kg का ही मिल जाए, 20 kg का मिल जाए, कुछ ना मिले तो जिम चले जाइएगा, पूरा उठा लाइए, हो 40 किलो कोई भी मिल जाए, है ना। वही लाया, जो भी मास लाया है उसको तोलेंगे तो क्या होगा, एमजी होगा, है ना, फोर्स तोल लिया, नाप क्या सकते हैं आप एमजी, और उसको किससे डिवाइड कर दिया, एम से, क्या आया, जी आया, सिंपल सी बात कर, यहाँ ये फॉर्म। तो एक टेस्ट चार्ज लाएंगे फील्ड नापने के लिए, और उस टेस्ट चार्ज को फील्ड में रखेंगे तो क्या महसूस करेगा, फोर्स, उस फोर्स को नाप लीजिए, उस फोर्स को जब उस टेस्ट चार्ज से आप डिवाइड करोगे तो फील्ड आ जाएगी, ठीक। अब एक क्वेश्चन हो, थोड़ी मैथमेटिक्स होगी ना, डिवाइड करना है, बड़ी हैवी मैथमेटिक्स है, बहुत लोग यहाँ मैथमेटिक्स के विद्वान हैं, वो कर लेंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको मैथमेटिक्स आती नहीं है, डिवाइड तक नहीं करना जानते। चलिए मान लिया एक ऐसा साइंटिस्ट है जो डिवीजन नहीं सीखा, डिवीजन नहीं सीखा, वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है एम जी को एम से, तो जी नहीं निकाल पा रहा, साइंटिस्ट है लेकिन जुगाड़ निकाल ले, क्या करेगा बताओ, हाँ बताओ क्या करेगा, उसे कैलकुलेट ना करना पड़े, प्रोसीजर वही है, क्या करेगा वो, उस सब्जी वाले से 1 kg का बाट ले आएगा, 1 kg, भैया 1 kg का दो, 1 kg पे जब फोर्स नापेगा तो क्या आएगा, 1g, 1g, एंड 1g इज इक्वेलेंट टू व्हाट, g, क्या मतलब हुआ, 1 किलो पे लगने वाला फोर्स ही g की वैल्यू दे देता है, m पे तो mg था लेकिन 1 पे क्या होगा, 1g इज व्हाट, इक्वल टू g, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ, ये डेफिनेशन। अगर आप एक यूनिट चार्ज लाते हैं या यूनिट मास, तो उस पे लगने वाला फोर्स खुद ही इंटेंसिटी बन जाता है, 1g इज इक्वल टू g, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो कोई भी चार्ज लाइएगा, बस उस पे फोर्स निकाल के उसको उसी चार्ज से डिवाइड कर दीजिएगा, नहीं तो अगर 1 कूलम चार्ज आप लाते हो तो उस पे लगने वाला फोर्स खुद ही फील्ड इंटेंसिटी दे देगा, ये डेफिनेशन। तो इसीलिए यहां पे लिखा है कि दिस इज इक्वेलेंट टू द फोर्स ऑन यूनिट चार्ज, अभी पॉजिटिव बात में बात करेंगे, यूनिट चार्ज एक्टिंग इन द फील्ड, तो फील्ड जो है यूनिट चार्ज पे लगने वाले फोर्स के बराबर है। वैसे भी आप देखो जब किसी क्वांटिटी को ऐसे डिवाइड करते हो कैसे बोलते, फोर्स को चार्ज से डिवाइड किया, क्या बोलेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम पर चार्ज, मींस यूनिट चार्ज, डेफिनेशन आ रही है। अच्छा फिर पॉजिटिव ही क्यों, ऐसा क्या बायसिंग, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जितनी भी डेफिनेशन होती हैं डायरेक्शंस, वो सब पॉजिटिव पे करने चाहिए, पॉजिटिव पे करोगे फोर्स निकालोगे तो फोर्स जो है फील्ड के दिशा में आएगा पॉजिटिव पे,
अगर ये फील्ड और फोर्स को नापोगे तो एक ही दिशा के होंगे तो आसान होगा, तो उसको याद करो। तो डेफिनेशन इसीलिए पॉजिटिव पे बनती है, नेगेटिव होगा तो देखा जाएगा उल्टा कर लेंगे, डेफिनेशन इसीलिए नेगेटिव पे नहीं बनाते, उलट जाता कि नहीं, पॉजिटिव पे बनाते हैं। ये है तरीका डिफाइन करने का, समझ में आया? ठीक, एनालॉजी से ठीक है, इसी तरीके से समझना है चीजों को। छोटी छोटी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। मैं तो सिंपल सा है कि ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, इतना आसान सा है, देखने में तो कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है इसके पीछे कारण। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब दूसरी बात आती है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये भी बताया था आपको कि भैया फील्ड जो है, प्रभाव जो है ना, वो आपको स्पेस में बताएगा कि कहाँ पे किसी चार्ज को रखने पे वो किस तरीके से प्रभावित होगा। आप चार्ज को रखोगे तो उसे फोर्स लगेगा, तो किस दिशा का और कितना, ये सब देखना है ना। तो पहले जरा दिशाओं पे ध्यान दें, कितना इस पे भी ध्यान दें। तो इसके लिए क्या होगा कि जैसे मान लो मुझे आपको यहाँ पे फील्ड कोई लगी है, उसे डिफाइन करना है, तो डिफाइन करने के लिए मैं उसकी ड्राइंग बनाऊंगा, और ड्राइंग बनाने के लाइंस ऑफ फोर्स बनाए जाते हैं, और लाइंस ऑफ फोर्स का डिसिप्लिन क्या होता है बनाने का, कुछ डिसिप्लिन में बता रहा हूँ लेकिन पूरे डिटेल में बाद में बात करूंगा इस पे। डिसिप्लिन देखिए, फील्ड को लाइंस ऑफ फोर्स बनाने का मतलब क्या है, फील्ड को दिखाना और उसके प्रभाव को ध्यान से देखिए और समझिए इस चीज को। इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव मेन चार्ज है, मेन जिससे फील्ड क्रिएट होती है, टेस्ट चार्ज नहीं है। तो इससे अगर पॉजिटिव है तो इससे फील्ड बाहर निकल रही होगी, ऐसे होती है बाहर की तरफ। मतलब अगर आप इस पे कोई टेस्ट चार्ज लाएंगे ना तो वो फोर्स बताएगा, उससे पता चलेगा क्या फोर्स होगा, अभी टेस्ट किया जाएगा इससे। लेकिन जरा फील्ड को देख लें, ये जो फील्ड आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली थ्री डायमेंशनल फील्ड होती है, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड 3D का मतलब है कि सिर्फ इस प्लेन में नहीं है, इधर इधर भी ये फील्ड निकल के आ रही है। मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, ये देखिए इसका 3D, ये चार्ज है पॉजिटिव और ये फील्ड दिखाया जा रहा है ग्रीन कलर से, ये चारों तरफ है, थ्री डायमेंशनल फील्ड होती है। जब कोविड पीरियड में मैं इसे पढ़ा रहा था तो डर गए थे बच्चे, कोरोना वायरस। ठीक, ये 3D फील्ड है, ये ध्यान दीजिए, हर तरफ प्रभाव होगा इसका। वापस आते हैं, अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज से फील्ड जो है निकल रही होती है, इसे कहते हैं ओरिजिनेट हो रही है ना, निकल रही है। चलो इसे चेक करते हैं टेस्ट चार्ज से। अब देखिए, थोड़ी देर के लिए आप सिर्फ फील्ड को देखिए, क्योंकि शुरुआत हम लोगों ने सिर्फ फील्ड से की थी, उसके ओरिजिनेट होने से नहीं, इसको मत देखिए, सिर्फ फील्ड को देखिए। अब ये फील्ड उस तरफ जा रही है, इसमें एक टेस्ट चार्ज रखा, फील्ड के मुताबिक जो अभी डेफिनेशन आपने पढ़ा है उसके हिसाब से इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स किधर होना चाहिए, फील्ड की दिशा में है तो चलो बनाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से भी देखेंगे ना तो उधर ही फोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन है, बाकी हम लोग फील्ड के हिसाब से देख रहे थे। अगर मान लें किसी फील्ड में आप निगेटिव टेस्ट चार्ज रखते हैं तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, ये फील्ड से देख रहे हैं हम लोग, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं दूसरे को। ये है तरीका क्यों ऐसे बनाया गया। ठीक, ओके, नेगेटिव चार्ज अगर है मेन चार्ज तो उससे फील्ड जो ओरिजिनेट नहीं होती, उस पर आके टर्मिनेट होती है। ये देखे, ये नेगेटिव चार्ज है, इससे फील्ड आके टर्मिनेट होने का मतलब जानते हैं क्या है, खत्म हो जाना, यहाँ पे आके एंटर करके खत्म, वैनिश कर जाना। ओरिजिनेट होने का मतलब वहीं से पैदा होना, वहीं से डेवलप होना पॉजिटिव से, तो यहाँ पे आके ये एंड हो जाता है। ठीक, कहीं से आ रहे हैं ये फील्ड, ये देखो खत्म हो गया निगेटिव चार्ज पे। अब इसे भी चेक करते हैं। ठीक, याद रखिएगा यहाँ पे आपको ये दिमाग में रखना है, हम लोग आगे यूज करेंगे, कि पॉजिटिव चार्ज से फील्ड अवे चलती है, जैसे ओरिजिनेट बोल लेते ना अवे दूर, और निगेटिव के तरफ चलती है टुवर्ड्स द निगेटिव, तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द निगेटिव, ये दिमाग में रखिएगा। चलो इसे भी चेक करते हैं, इसको मत देखें थोड़ी देर के लिए, फील्ड देखें, सिर्फ एक टेस्ट चार्ज लाते हैं।
वो जो फील्ड के हिसाब से डिफाइन करना था उसमें ये था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज वो फील्ड की दिशा में फोर्स होता है, तो इधर होना चाहिए, होना भी चाहिए, क्यों? प्लस और माइनस एक दूसरे को प्लस और माइनस सेपरेट करेंगे और ऐसे ही फिर चेक करें। अगर हम निगेटिव टेस्ट चार्ज लाते हैं तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स होगा, है ना, होना भी चाहिए, क्योंकि निगेटिव निगेटिव रिपल्सन है। दिमाग में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे सब स्टेप्स, ठीक, ओके। फील्ड कितने तरीके की? फील्ड न्यूमरस तरीके की होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव, ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड आप एक ही पाओगे, तो यहाँ पे वैरायटी ऑफ केसेस नहीं डेवलप होंगे, एक ही प्रकार का बिहेवियर होता है ग्रेविटेशनल फील्ड का, इसीलिए एमजी फोर्स इतना रिजिड होता है, हमेशा हम डाउनवर्ड ही लगेंगे, नहीं कहता था, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स की तरह जो है वो बिल्कुल, वो वहां पे ऐसा फोर्स है, ये भी तो कंजर्वेटिव है, लेकिन इससे फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए है क्योंकि हम फील्ड को ही बदल देंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड को नहीं बदल पाते, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बदल सकते हैं, है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर बदलते हैं तो उसका प्रभाव भी तो बदलेगा, तो उसको दिखाए कैसे, तो वही ड्राइंग से ही दिखाएंगे। तो इसमें देखिए दो तीन प्रकार के केसेस मैं दिखा रहा हूँ, हालांकि इन जनरल दो ही प्रकार के केसेस डिफाइंड होते हैं, वो ये है यूनिफॉर्म फील्ड, ऐसी फील्ड जिसमें हर जगह प्रभाव यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा हो, पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स से दिखाते हैं, तो पैरेलल लाइंस ऑफ फोर्स से अगर फील्ड को दिखा देंगे तो यहाँ 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 कहीं भी टेस्ट चार्ज को रखोगे तो सब जगह वो फोर्स एक ही वैल्यू का और एक ही दिशा का महसूस करेगा, ये है, ये यूनिफॉर्म फील्ड की पहचान है। और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड की भी बात कर लें, ये देखो नॉन यूनिफॉर्म फ्रॉम फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड इंटेंसिटी वेरीज विद पोजीशन, जैसे ये देख अभी वो देख नहीं रहते एक चार्ज से वो ओरिजिनेट होते हुए जो फील्ड हम लोग दिखा रहे थे रेडियल फील्ड, वो इस तरीके की है। तो ये देखें यहाँ पे देखें लाइंस ऑफ फोर्स दूर हो रही है, तो जैसे जैसे ये डेंसिटी कम या ज्यादा होती है लाइंस ऑफ फोर्स की, वैसे वैसे फील्ड का प्रभाव भी कम या ज्यादा होने लगता है, जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स पास पास होंगी है ना वहां पे फील्ड इंटेंसिटी हाई होगी, और जहां पे लाइंस ऑफ फोर्स की डेंसिटी कम होगी मतलब दूर दूर होने लगे फैलने लगे ऐसे, तो वहां पे फील्ड का प्रभाव कम होने लगता है। कहने का मतलब अगर एक ही टेस्ट चार्ज जैसे मान ले प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन जो भी एक चार्ज यहाँ रखेंगे तो फोर्स ज्यादा महसूस करेगा, यहाँ रखेंगे तो कम महसूस करेगा, तो ड्राइंग से पता चलता है, इसीलिए ड्राइंग बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। ऐसी ये देखें कुछ भी ड्राइंग बन सकती है ऐसे, है ना, और सिचुएशन क्रिएट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। तो ये देखो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि इस जगह पे प्रभाव ज्यादा है, बीच में कम हो गया और फिर ज्यादा हो गया। इस प्रकार की फील्ड याद है कैसे क्रिएट होती थी? डाइपोल, अगर आप थोड़ा पढ़े हो तो यहाँ पॉजिटिव वहां निगेटिव चार्ज, डाइपोल से ऐसी क्रिएट होती है फील्ड डिफरेंट टाइप के चार्जेस से, ये पॉइंट चार्ज से क्रिएटेड फील्ड है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लेन उससे क्रिएटेड है। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट चार्ज डाइपोल एक प्लेन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये वैरायटी ऑफ चार्जेस होते हैं, और चार्ज में जो आप लोगों को पढ़ना है उसमें कई वैरायटी है, उसमें जैसे पॉइंट चार्ज तो सबसे बेसिक है, लेकिन लाइन चार्ज बहुत सारे चार्जेस को एक लाइन पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, सिलिंड्रिकल चार्ज सिलेंडर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल चार्ज स्फेरिकल शेल चार्ज सॉलिड स्फेरिकल चार्ज, ये सब है, ये सब डिस्कशन का, रिंग चार्ज ये सब डिस्कशन का। ये इतना वैरायटी जो मैं बोल रहा हूं ना इससे क्रिएट होने वाली फील्ड भी डिफरेंट होगी, और फील्ड डिफरेंट होगी तो फोर्स भी डिफरेंट होगा, इसीलिए तो पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है, कितने तरीके के फोर्सेस होंगे, ग्रेविटेशनल फील्ड में तो कुछ है ही नहीं, एक फोर्स है एम जी, तो वो भी यहां पे यूनिफॉर्म मान लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे फील्ड की वैरायटी होगी। लेकिन एक चीज मैं बताऊं, दो प्रकार की फील्ड सबसे ज्यादा पूछी जाती है, सबसे ज्यादा मतलब क्वेश्चन जो बनते हैं, एक तो यूनिफॉर्म पे तो बनते ही है, बहुत यूज होता है आसान बनाने के लिए क्वेश्चंस को आपके लेवल पे, और एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड जो होगी उसमें डाइपोल तो होगा ही, लेकिन सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पॉइंट चार्ज से क्रिएटेड फील्ड जिसपे कूलम्स लॉ बेस्ड है, कूलम्स लॉ जो है ना जो अभी आएगा वो पॉइंट चार्ज पे बेस्ड है, ऐसी फील्ड होती है वो रेडियल फील्ड, यही दो स्पेसिफिक फील्ड्स होती है जिनपे मैक्सिमम केसेस आपके लेवल पे बनाए जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लेते हैं, बहुत आसान है।
बात स्पष्ट हो रही है ना, ये उसको पता चलना ना क्यों, क्या पर्पस है इसका। चलिए फिर देखिए, चलिए क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए जल्दी से। हाँ पता चल गया ना, अब यहाँ पे फील्ड इंटेंसिटी को कंपेयर कर रहे हैं, तो ए पे ज्यादा डेंसिटी है, पास पास है लाइन सपोर्ट, वहां पे दूर हो रही है, तो ए पे जो है ये पास है, यहाँ पे ये दूर हो गया, यहाँ फील्ड इंटेंसिटी कम हो गई, बी पे ए पे ज्यादा है, ये वाला हो गया ना, ये वाला। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं, और देखा और बता दिया। ठीक, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, आगे देखेंगे।